हेलो गाइस, मैं विनयकांत एवीएस की पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 12th बायोलॉजी का यूनिट 2 स्टार्ट करने वाले हैं और यूनिट 2 में इसका नाम है आनुवंशिकी और विकास यानी हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। इसमें पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जीव जातियों का विकास हुआ है और इसमें ही पढ़ेंगे कि किस प्रकार से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण जाते हैं, यानी इस यूनिट में पढ़ेंगे। और इस यूनिट में मैं आपको बताना चाहूँगा, इस पूरी यूनिट में यानी यूनिट 2 में 8 चैप्टर हैं और 8 चैप्टर से टोटल जो मैक्सिमम मार्क्स पूछे आते हैं वो 18 मार्क्स के पूछे आते हैं, यानी इसमें से ज़्यादा 18 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। और इस यूनिट से सबसे पहला चैप्टर है जो कि इंटरमीडिएट की बुक में चैप्टर नंबर 5 है, वंशागति एवं विविधता यानी हेरिडिटी एंड वेरिएशन, ठीक है। और इसका पार्ट 1 है ये, क्योंकि ये चैप्टर लंबे हैं थोड़ा सा, इसलिए इसको हम पार्ट में डिवाइड करके पढ़ाएंगे जिससे आपको पढ़ने में आसानी होगी, तो आप घर पे आसानी से बैठ के पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं वंशागति और विविधता, यानी कि इस चैप्टर में हमको पढ़ना है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में माता पिता से किस प्रकार लक्षण ट्रांसफ़र होते हैं या प्रसारित होते हैं या फिर जाते हैं। उसके अलावा विविधता के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण जाते हैं उनमें किस प्रकार से विभिन्नता आ जाती है। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनके त्वचा का रंग या फिर आँखों का रंग है ना, इस तरीके से चेंज होता है, थोड़ा सा वेरिएशन होता है, थोड़ा सा विभिन्नता होती है। तो इस चैप्टर में हम ये चीज़ें पढ़ेंगे। इस चैप्टर को समझने से पहले 2-3 परिभाषाएँ हैं वे हमें आनी चाहिए, जिसमें सबसे पहला है आनुवंशिक लक्षण। हेरिडेटरी कैरेक्टर्स, आनुवंशिक लक्षण का मतलब होता है वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। अब लक्षण कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि एक पिता की लंबाई, माता की लंबाई, या फिर माता पिता के त्वचा का रंग, आँखों का रंग, आँखों का आकार, नाक की आकृति, ये सब क्या हैं, लक्षण हैं। और इन्हीं सब लक्षणों को कहा जाता है आनुवंशिक लक्षण। और इसको आनुवंशिक क्यों कहा जाता है, क्योंकि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये प्रसारित होते हैं, यानी कि जीवधारी के वे सभी लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं अर्थात प्रसारित होते हैं, ऐसे लक्षणों को आनुवंशिक लक्षण कहा जाता है, ठीक है। अब दूसरा है आनुवंशिकता, या वंशागति, हेरिडिटी और इनहेरिटेंस। ये क्या होता है, आनुवंशिकता या वंशागति, यानी कि जो लक्षण होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने की जो प्रक्रिया होती है उसी को बोलते हैं आनुवंशिकता या वंशागति। पहले भी हमने क्या बताया कि वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं तो उनको बोलते हैं आनुवंशिक लक्षण। अब इसको किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं, आनुवंशिकता को आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, आनुवंशिकता या फिर वंशागति बोलते हैं, ठीक है। अब तीसरा जो टॉपिक है वो है विविधता, इसे बोलते हैं वेरिएशन। वेरिएशन यानी कि विविधता, या इसको हम कह सकते हैं विभिन्नताएं। अब जैसे कहा जाए कि एक माता पिता के दो बच्चे पैदा होते हैं अलग अलग समय पर, तो दोनों बच्चे क्या होते हैं, एक समान नहीं होते हैं, थोड़ा सा उनमें डिफरेंस होता है। अगर मान लीजिए 60% समानता है तो 40% विभिन्नता ज़रूर होगी, या फिर अगर 90% समानता है तो 10% विभिन्नता ज़रूर होगी, या तो उनके त्वचा के रंग में विभिन्नता होगी, उनकी नाक की आकृति में विभिन्नता होगी, है ना, उनकी आँखों की आकृति में या फिर आँखों के रंग में। इस प्रकार से देखा जाए तो उनके जो लक्षण ट्रांसफ़र हो रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ क्या होगा, विभिन्नता होगा, थोड़ा सा क्या होगा, बदलाव होगा। और इसी बदलाव को, इसी अंतर को, इसी विभिन्नता क्या बोलते हैं, विभिन्नताएँ।
यानी जीवधारी के बच्चों में जो अंतर पाया जाता है, यानी कि हम ये इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि एक ही माँ के अलग अलग समय में उत्पन्न दो संतानों में जो अंतर होता है उसे विभिन्नता कहते हैं। या फिर इसको दूसरी तरह से हम परिभाषित कर सकते हैं कि जीवधारी के जो संतान होते हैं उनकी संतानों में जो अंतर होता है, जीवधारी के लक्षण में जो अंतर होता है उस अंतर को बोलते हैं विभिन्नताएँ, ठीक है, वेरिएशन। ये तीन टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं इस चैप्टर को समझने के लिए। अगर आपको ये समझ में नहीं आएगा तो आप इस चैप्टर को अच्छी तरीके से समझ नहीं सकते हैं, इसलिए इनको समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला फिर से देख लेते हैं आनुवंशिक लक्षण। वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं उनको बोलते हैं आनुवंशिक लक्षण, जैसे त्वचा का रंग, नाक की आकृति, पिता या माता की लंबाई, आँखों की आकृति, आँखों का रंग, ठीक है। दूसरा है आनुवंशिकता या वंशागति। आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने की प्रक्रिया को ही आनुवंशिकता या वंशागति कहते हैं, ठीक है। अब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण जा रहे हैं उनके जो संतान उत्पन्न हो रहे हैं उन संतानों में क्या होगा, सारे लक्षण एक समान नहीं होंगे, कुछ ना कुछ क्या होगा, अंतर होगा, और उसी अंतर क्या बोलते हैं, विविधता, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं जो कि है आनुवंशिकी। आनुवंशिकी यानी कि जेनेटिक्स। अभी हमने क्या देखा, आनुवंशिक लक्षण देखा, वंशागति या विभिन्नता भी देखा, है ना। तो इन सब चीजों को हमने अभी देखा। अब बात आती है आनुवंशिकी की यानी कि जेनेटिक्स की। अब जेनेटिक्स की परिभाषा हम किस प्रकार दे सकते हैं, आनुवंशिकता या वंशागति तथा विभिन्नताएं के अध्ययन को, विभिन्नताओं के अध्ययन को क्या कहते हैं, आनुवंशिकी कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है, अभी तुरंत इसको आप याद कर सकते हैं। आनुवंशिकता तथा विभिन्नताओं के अध्ययन को आनुवंशिकी कहते हैं। आनुवंशिकता क्या होती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण जाते हैं उसकी प्रक्रिया को बोलते हैं आनुवंशिकता। विभिन्नता क्या होती है, जो लक्षण जाते हैं वो समान नहीं होते हैं, थोड़ा थोड़ा अंतर होता है उसमें, उसी अंतर को बोलते हैं विभिन्नता। अब इन दोनों के अध्ययन को बोलते हैं आनुवंशिकी यानी कि जेनेटिक्स बोलते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि जो विभिन्नताएँ होती हैं वो किस प्रकार होती है और क्यों होती हैं, ठीक है, और किस प्रकार के जनन में विभिन्नता पाई जाती है, इसके बारे में बात करेंगे, यानी कि विविधता, वेरिएशन। वेरिएशन क्यों होता है और किस प्रकार होता है, किस प्रकार के जनन में पाया जाता है, तो हम आपको बता चुके हैं जो जनन होता है वो दो प्रकार का होता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन क्या होता है, लैंगिक जनन में दो विपरीत जीवों की आवश्यकता होती है जिनमें से एक नर होता है और एक मादा होता है। नर से नर युग्मक और मादा से मादा युग्मक का निर्माण होता है। अब दोनों जब संलयित होते हैं तो किसका निर्माण करते हैं, युग्मनज का निर्माण करते हैं यानी कि जायगोट का निर्माण करते हैं। और प्रत्येक मनुष्य के प्रत्येक सेल में, प्रत्येक कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं, 46। और ये गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं, न्यूक्लियस में, यानी कहाँ पर, कोशिका के न्यूक्लियस में गुणसूत्र पाए जाते हैं। और गुणसूत्र के अंदर होते हैं डीएनए, क्या होता है, डीएनए, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, दोनों में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। गुणसूत्र कहाँ स्थित होते हैं, कोशिका के न्यूक्लियस में, ठीक है, और न्यूक्लियस में क्या होता है, डीएनए। अब देखो इनमें से 23 गुणसूत्र आते हैं, यानी नर से 23 गुणसूत्र आते हैं, मादा से भी 23 गुणसूत्र आते हैं, ठीक है। अब नया जो युग्मनज बन रहा है उसमें कितने गुणसूत्र हो गए, 46, यानी आधे इसमें नर से आते हैं और आधे मादा से आते हैं, यानी कि अगर बात किया जाए तो आधा डीएनए
यानी कि एक सेल में जो जितने भी गुणसूत्र हैं उनमें से आधे आधे जो गुणसूत्र हैं उसके अंदर डीएनए पाया जाता है, तो डीएनए की कॉपी नर में अलग होगी और मादा में डीएनए की कॉपी अलग होगी। अब देखो दोनों में मिक्स होकर के, यानी कि मादा से जो डीएनए आ रहा है और नर से जो डीएनए आ रहा है, ये दोनों डीएनए मिल करके एक नया डीएनए बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? एक नया डीएनए बना रहे हैं। नर का डीएनए अलग है, मादा का डीएनए अलग है। जब दोनों मिलते हैं तो एक नए प्रकार का डीएनए बनाते हैं, यानी एक नया संतान बनाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है उसमें थोड़ा सा क्या होता है, अंतर हो जाता है। क्या हो जाता है? अंतर हो जाता है, और इसी अंतर को बोलते हैं विभिन्नता। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस प्रकार के जनन में विभिन्नता पाई जाती है या विविधता पाई जाती है, तो इसका आंसर है लैंगिक जनन में विविधता या विभिन्नता पाई जाती है। ठीक है, अब बात आती है कि अलैंगिक जनन में विविधता क्यों नहीं पाई जाती है। तो अलैंगिक जनन में हम आपको बता चुके हैं, अलैंगिक जनन में क्या होता है, एक मान लीजिए कोई सेल है और उस सेल में क्या होता है, अंदर डीएनए होता है या न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है। अब देखो ये इसमें होता है विभाजन, यानी क्या होता है, डिवीजन। जब डिवीजन होता है तो इसके अंदर एक से दो डीएनए बन जाते हैं, यानी कि एक ही डीएनए की दो कापियां हो जाती हैं। क्या हो जाती है? कापी हो जाती है। जैसे मान लीजिए हम दुकान पे जाते हैं फोटो कापी करवाने, तो हूबहू सेम टू सेम जब हम फोटो कापी करवाते हैं तो वही लिख मिलता है हमको, वही चीज़ मिलता है। तो सेम टू सेम यानी अलैंगिक जनन में वही चीज़ होता है कि जो डीएनए होता है एक सेल के अंदर, एक कोशिका के अंदर, तो हूबहू सेम टू सेम डीएनए बनता है। जब एक से दो ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं और उनमें जो पैरेंट डीएनए है, जो पैरेंट डीएनए है सेम टू सेम उसकी ऑफस्प्रिंग में डीएनए आ रहा है, हूबहू डीएनए इसमें भी आ रहा है, वो डीएनए इसमें भी आ रहा है, तो इसमें कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं है, यानी उनकी संतानों में क्या हुआ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो विभिन्नता अलैंगिक जनन में नहीं पाई जाती है। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि विभिन्नता जो होती है वो लैंगिक जनन में पाई जाती है, अलैंगिक जनन में नहीं पाई जाती है। ठीक है, अभी हमने आपसे बात किया था आनुवंशिकी के बारे में, जेनेटिक्स के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि जो माता पिता से लक्षण बच्चों में जाते हैं वो किस प्रकार से जाते हैं और किसने सबसे पहले इसको खोजा था? क्या आपने कभी सोचा है कि जो लक्षण माता पिता से बच्चों में जाते हैं वो किस प्रकार जाते हैं, क्यों जाते हैं? तो हाँ, एक व्यक्ति हैं, व्यक्ति थे, अब नहीं है फिलहाल, लेकिन उन्होंने इसके बारे में गहन अध्ययन किया है, डिटेल में स्टडी किया है, और उन्होंने कुछ नियम बताए हैं, कुछ तरीके बताए हैं। एक पौधे के ऊपर उन्होंने अध्ययन किया है, 8 वर्षों तक अध्ययन किया है, और आठ वर्षों के अध्ययन के बाद उन्होंने कुछ नियम दिए हैं किस प्रकार से माता पिता से लक्षण उनके संतानों में जाते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं, यानी आनुवंशिकी के बारे में। इसे बोलते हैं जेनेटिक्स। आनुवंशिकी क्या होती है? आनुवंशिकता तथा विभिन्नताओं के अध्ययन को ही आनुवंशिकी कहा जाता है। ठीक है, तो आनुवंशिकी के जो पिता हैं, फादर हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स और कह सकते हो फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल यानी कि फादर ऑफ जेनेटिक्स, यानी आनुवंशिकी के पिता किसको कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। और ग्रेगर जॉन मेंडल का जो जन्म हुआ था वो 20 जुलाई 1822 में जर्मनी के सिलसिया गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी के सिलसिया ग्राम में हुआ था। अब जर्मनी में जो सिलसिया गांव है उसको कहा जाता है चेक रिपब्लिक। क्या कहा जाता है? चेक रिपब्लिक। इस नाम से अब ये जाना जाता है, चेक रिपब्लिक के नाम से सिलसिया जो ग्राम है जर्मनी में उपस्थित है, वहाँ पर ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म 20 जुलाई 1822 में हुआ था। ठीक है, अब बात आती है कि जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे
इन्होंने किस पौधे के ऊपर अपना प्रयोग किया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जाता है। तो किस पौधे पे किया था? पाइसम सटाइवम पे, यानी उद्यान मटर। इन्होंने जो प्रयोग किया था वो उद्यान मटर, यानी अपने बगीचे में उन्होंने उगाया था, जिसे बोलते हैं उद्यान मटर। इसका जो साइंटिफिक नेम है उसका नाम है पाइसम सटाइवम। पाइसम सटाइवम के ऊपर इन्होंने लगभग 8 वर्षों तक, कितने वर्षों तक? 8 वर्षों तक, 1856 से लेकर के 1864 तक, 1856 से लेकर के 1864 तक अलग अलग लक्षणों का अध्ययन किया था। बार बार, यानी कि अलग अलग लक्षण ले रहे थे। एक जोड़ी शुद्ध विरोधी लक्षण ले रहे थे, जैसे पुष्प का रंग ले लिया, तने की लंबाई ले लिया, या फली की आकृति ले लिया। तो अलग अलग बार बार ये अलग अलग लक्षणों को चुन करके ये क्या कराते थे? क्रॉस कराते थे। क्रॉस कराने के बाद जो संतानें पैदा होती थी, फिर उसका जो क्रॉस कराते थे। तो इस प्रकार उनको 8 वर्ष लग गए। कितने वर्ष? 8 वर्षों तक, 1856 से लेकर के 1864 तक लगातार उन्होंने 8 वर्षों तक उद्यान मटर यानी पाइसम सटाइवम के ऊपर उन्होंने प्रयोग किया था। ठीक है, अब बात आती है कि ये जो अपना प्रयोग कर रहे थे किस पत्रिका में उन्होंने छापा था। तो 1866 में उन्होंने एक पत्रिका थी, पत्रिका का नाम है एनुअल प्रोसीडिंग्स, ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून। इन्होंने 1866 में एक पत्रिका में अपना जो प्रयोग था, जिन्होंने आनुवंशिकी के ऊपर प्रयोग किए थे, उसको छापा था। उसका नाम है एनुअल प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून। इन्होंने इस पत्रिका में अपना प्रयोग छापा था, लेकिन दुर्भाग्यवश क्या हुआ कि लगभग 34 वर्षों तक ऐसा ही पड़ा रहा। यानी अब ये जो पत्रिका थी, लोग इसको ज़्यादा पढ़ते नहीं थे, जो उस समय के वैज्ञानिक थे ज़्यादा पढ़ते नहीं थे, तो जो प्रयोग कर दिए थे तो लगभग 34 वर्षों तक इनके प्रयोगों के बारे में ध्यान ही नहीं दिया गया। और 34 वर्ष के बाद कार्ल कोरेंस ने, शेर मैक ने और ह्यूगो डी ब्रिस ने इनके अध्ययन को, इनके प्रयोगों को फिर से उजागर किया। ठीक है, तो लगभग कितने वर्षों तक? 34 वर्षों तक पड़ा रहा। प्रयोग कितने वर्ष तक किया था? 8 वर्ष तक। किस पौधे पे किया था? उद्यान मटर, यानी कि पाइसम सटाइवम पर। ठीक है, किसने किया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको आना चाहिए। और ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म कहाँ हुआ था? 20 जुलाई 1822 में जर्मनी के सिल्सिया ग्राम में हुआ था। और जो सिल्सिया ग्राम है जर्मनी में, उसको चेक रिपब्लिक के नाम से आज जाना जाता है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे को ही क्यों चुना था। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को क्यों चुना था। सेलेक्शन ऑफ गार्डन पी, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट भी है कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे को ही क्यों चुना। ऐसे क्या करेक्टर्स हैं जिनको लेकर के मेंडल ने इस पौधे को चुना? तो सबसे पहला जो कारण है वो ये है कि मटर का जो पौधा होता है, मटर फसली वनस्पति है। फसली मतलब एनुअल, एनुअल मतलब एक वर्षीय। कहने का मतलब यह है कि ये 2 से 3 महीने में तैयार हो जाता है और इसको आसानी से बगीचे में उगाया जा सकता है। तो सबसे पहला कारण क्या है कि मटर फसली वनस्पति है,
कहीं पे आपको ये भी लिखा मिलेगा कि जो पौधा होता है वो एक वर्षीय होता है, ठीक है, और ये 2 से 3 महीने में तैयार हो जाता है। इसको बगीचे में उगाना आसान होता है। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है कि जो मटर का पौधा होता है वो उभयलिंगी होता है। कैसा होता है? उभयलिंगी कह सकते हो या द्विलिंगी कह सकते हो। द्विलिंगी अर्थात नर व मादा एक ही पुष्प में होते हैं, ठीक है। पिछले चैप्टर में आपसे बात कर चुके हैं इसके बारे में। द्विलिंगी बाइसेक्सुअल होता है ये पौधा। इसका जो फूल होता है, फूल में नर भाग और मादा भाग दोनों पाए जाते हैं, ठीक है। और इसकी जो पंखुड़ियाँ होती हैं इस प्रकार होती हैं कि इनमें केवल स्वपरागण ही संभव है। तीसरा बड़ा कारण क्या है कि इसमें केवल स्वपरागण ही संभव है, केवल स्वपरागण, ठीक है। परंतु कृत्रिम रूप से हम पर परागण भी करा सकते हैं। अपने आप इसमें पर परागण नहीं होगा, कृत्रिम रूप से हम इसमें पर परागण करा सकते हैं, ठीक है। और चौथा जो रीजन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए, इसी समय याद करते चलिए। मटर फसली वनस्पति है, 2 से 3 महीने में ये तैयार हो जाता है, ठीक है। मटर का पौधा द्विलिंगी होता है, यानी नर व मादा इसमें होते हैं, ठीक है। केवल स्वपरागण इसमें संभव है, पर परागण भी हम कृत्रिम रूप से करा सकते हैं। उसके अलावा इनके जो लक्षण होते हैं पौधों के, लक्षणों के विपर्यासी रूप होते हैं। विपर्यासी मतलब अगर हम कोई भी एक लक्षण किसी पौधे का चुने, जैसे हम चुन लेते हैं कि फूलों का रंग देखा जाए तो फूलों का रंग बैंगनी भी हो सकता है और सफ़ेद भी हो सकता है। तने की लंबाई अगर लें तो तने की लंबाई लंबा भी हो सकता है और बौना भी हो सकता है ना। दूसरा अगर हम जैसे कि फली की जो आकृति होती है तो गोल भी हो सकती है और झुर्रीदार भी हो सकती है। तो ये इसे बोलते हैं लक्षणों के विपर्यासी रूप। तो ये भी एक कारण था कि उद्यान मटर को चुनने का, ठीक है। पांचवा जो कारण है कि एक पीढ़ी में जो मटर का पौधा होता है, मटर का पौधा एक पीढ़ी में अनेक बीज उत्पन्न करता है, यानी बहुत सारे बीज उत्पन्न करता है। पांचवा कारण क्या है? मटर का पौधा एक पीढ़ी में अनेक बीज उत्पन्न करता है, यानी कि अगर हम बात करें तो जब उद्यान मटर में हम पौधे को लगाएंगे तो एक पीढ़ी में ही, यानी 2 से 3 महीने में, यानी कि एक वर्ष में अगर ये फसल तैयार हो जाती है तो 2 से 3 महीने में बहुत सारे बीज हम उगा सकते हैं, ठीक है। तो ये था उद्यान मटर के चयन का कारण, बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 पॉइंट है, इसी समय आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे इनके जो विपर्यासी लक्षण हैं, कौन कौन से लक्षण को लेकर के मेंडल ने प्रयोग किए थे, जो बार बार पीढ़ी में, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी में जा रहे थे लगातार, यानी कि वंश परंपरागत लक्षण, इसके बारे में बात करेंगे। तो क्रम संख्या, लक्षण, प्रबल और अप्रबल, कौन कौन से लक्षण प्रभावी प्राप्त हो रहे थे पहली पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी में, कौन से लक्षण अप्रभावी यानी अप्रबल उत्पन्न हो रहे थे। तो प्रबल और अप्रबल की बात हम नेक्स्ट पार्ट में, यानी पार्ट 2 में करेंगे। अभी हम समझ लेते हैं कि ऐसे कौन से लक्षण हैं जो वंश परंपरागत यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, दूसरी से तीसरी पीढ़ी में लगातार जा रहे थे, ठीक है। तो सबसे पहला देख लेते हैं फूलों का रंग। पहला लक्षण क्या है? फूलों का रंग। फूलों का रंग प्रबल क्या है? बैंगनी। और अप्रबल है? सफ़ेद। दूसरा देख लेते हैं, दूसरा लक्षण
तने की लंबाई। बहुत आसान है, इसको याद करते चलिए। तने की लंबाई लंबा और बौना, इसको हम नाटा भी कह सकते हैं। तीसरा जो कच्ची कली का रंग, कच्ची कली का रंग हरा और पीला। चौथा लक्षण है बीज पत्रों का रंग, अभी हम आपको इसको समझा दे रहे हैं। बीज पत्रों का रंग पीला हरा। पांचवा जो लक्षण है पकी हुई फल की आकृति, पकी हुई फल की आकृति गोल, बीज बीज में दबी हुई। छठवां जो रीजन है बीजों की आकृति, बीजों की आकृति गोल और झुर्रीदार। सातवां है फूलों की स्थिति, अच्छुवर्ती और अग्रस्त। ये सात ऐसे लक्षण हैं जो लगातार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे थे। सबसे पहला लक्षण क्या है, फूलों का रंग। आपने मटर का फूल देखा होगा तो मटर के फूल में दो तरह के रंग दिखाई देते हैं। फूलों का रंग एक दिखाई देता है बैंगनी कलर का और एक दिखाई देता है सफ़ेद कलर का। तो क्या हो रहा था, लगातार एक दूसरी पीढ़ी में परिवर्तन दिख रहा था। तने की लंबाई, एक पौधा लंबा और दूसरा पौधा बौना। कच्ची कली का रंग, एक हरा और एक पीला, यानी जो फल बन रहा था उसमें कली बन रही थी, किस उसके कलर कैसा था, हरा और पीला। उसके बाद बीज पत्रों का रंग, बीज पत्र का मतलब होता है बीज के ऊपर जो कवरिंग होती है, बीज खोल, बीज चोल जो होता है ऊपर का जो होता है वो पीला होता है और हरा होता है, दो प्रकार से आपने देखे होंगे। पकी हुई फल की आकृति, यानी जो फल पक जाता है, यानी मटर के दाने जब पक जाते हैं तो उनकी आकृति कैसी होती है, आपने देखा होगा कुछ गोल होते हैं, कुछ बीच बीच में दबी हुई होती है। बीजों की आकृति, बीज की आकृति किस प्रकार होती है, ये फली की आकृति है गोल और बीच बीच में दबी हुई, देखा होगा आपने मटर के जो ऊपर जो हरे कलर की कवरिंग होती है पूरे मटर के ऊपर जो होती है, कहीं कहीं बीच बीच में दबी दबी होती है और कहीं पर क्या होता है पूरा जो है गोल होता है पूरा। बीजों की आकृति गोल होती है और झुर्रीदार होती है। फूलों की स्थिति कहती होती है अच्छुवर्ती या अग्रस्त, ठीक है। अच्छुवर्ती मतलब सीधा और अग्रस्त का मतलब साइड में जो लगे होता है टर्मिनल, इसको बोलते हैं एक्जिलरी, इसको बोलते हैं टर्मिनल। तो हमने आज चैप्टर 5 यानी वंशागति और विविधता में हमने आज देखा आनुवंशिक लक्षण क्या होते हैं, आनुवंशिकता यानी वंशागति क्या होती है, आनुवंशिकी क्या होती है और विभिन्नता क्या होती है। मेंडल ने मटर के पौधे को ही क्यों चुना अपने प्रयोग के लिए और कौन कौन से ऐसे लक्षण थे जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लगातार जा रहे थे, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलें। धन्यवाद।